नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं अपनी गाड़ी को वॉश के लेके आया हूं और भाटा गांव में उसको दिया हूं, तो वहां का नाम है पावर क्लीन कार वॉश। और यहां की खासियत ये है कि यहां गाड़ी को ऐसे पूरा उठा देंगे और उठाकर इंजन को क्लीन करते हैं, मतलब इंजन जो नीचे है। बहुत से क्लीन के लिए जहाँ जाओगे तो वहाँ ऐसा क्लीन नहीं करते, तो मैं किसी दोस्त के माध्यम से यहाँ आया हूँ और यहाँ अपनी कार को वॉशिंग के लिए दे रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ नंबर लगा है, मतलब मेरा नंबर लगेगा तीसरी कार के बाद। तो अभी मैं हूँ रावण फाटा मैदान में और यहाँ पर डिज्नी लगा हुआ है, तो यहाँ का भी आपको व्यूज दिखाता हूँ। पोस्टर और इसके होर्डिंग्स तो बहुत ही ज़ोरदार है। तो अभी दिन के समय में हम लोग यहाँ आए हैं, तो मैं आप लोग को यहाँ का व्यूज़ दिखाता हूँ। अगर आपके पास समय रहे तो यहाँ भी आइएगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर लगा है डिज्नीलैंड और यहाँ पर पोस्टर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं डायनासोर के। तो दोस्तों, मैंने अपनी कार को, आप ये देखिए वेगनार कार है मेरे पास, और मैंने उसको बाईं ओर खड़ी कर दी है। और आप ये देख पा रहे होंगे, अभी मैं हूँ भाटा गांव चौक के पास। और यदि आप बस स्टैंड की ओर से आते हैं तो आपको ये देखिए इधर आना पड़ेगा, और इधर से आपको थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। और दोस्तों, रॉन्ग साइड आने के बाद आप ये देखिए पावर क्लीन कार वॉश, यहाँ पर वॉशिंग होता है, रबिंग होता है, पॉलिश होता है और इंटीरियर क्लीनिंग भी होता है। तो आप ये देखिए, मैंने अपनी कार को यहाँ पर खड़ी कर दी है और अब मेरी कार का नंबर आने वाला है। और आप ये देखिए, चारों डोर को खोल दिए हैं, मतलब इसके अंदर जितने भी सामान हैं उसको निकाल रहे हैं। तो मैंने तो इसमें पेन ड्राइव और मेरे गॉगल्स और बहुत से डॉक्यूमेंट रखे थे, वो मैंने यहाँ से निकाल दिए। और ये पीछे स्टेपनी भी है, तो आप ये देख पा रहे होंगे स्टेपनी को भी इन्होंने निकाल दिया। और अब एयर के माध्यम से इसमें जितने भी डस्ट हैं, धूल है, उसको बाहर कर रहे हैं। क्या है, फल्ली के छिलके और बहुत से जो छोटे छोटे चिप्स रहते हैं सीट के नीचे चले जाते हैं, जो हमसे क्लीन नहीं होते। तो आप ये देख पा रहे होंगे एयर के माध्यम से उस सब को, डस्ट को, मतलब बाहर निकाल रहे हैं। सभी का अपना अपना कार्य करने का जो तरीका रहता है, तो अभी इनका तरीका है कि आप ये देखिए एयर के माध्यम से डस्ट को सब बाहर निकाल रहे हैं। कितना भी कोशिश करो धूल मत आए, लेकिन बहुत सा धूल गाड़ी के अंदर, कार के अंदर आ जाता है। ये देखिए कितना धूल है, एयर के माध्यम से सबको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं धूल को। अब मेरी कार आप ये देख सकते हैं वॉश के लिए ऊपर आ रही है। एयर से कार में जितना भी डस्ट था उसको निकालने के बाद बहुत से डस्ट इसमें बच गए हैं, तो आप ये देख पा रहे होंगे वैक्यूम के द्वारा उस डस्ट को खींच रहे हैं। और मेरे कार में जो मैट था, अब मैट की अच्छी सी धुलाई हो रही है और इस पर आप ये देखिए शैम्पू लगाकर इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। और इंजन में भी बहुत ही अच्छे से शैम्पू लगा हुआ है और इसकी भी धुलाई होगी। हम लोग कितना भी चाहें लेकिन घर में ऐसी सफाई नहीं कर पाते। और आप ये देख पा रहे होंगे इंजन के ऊपर जो बोनेट है, तो बोनेट को भी शैम्पू लगाकर इसको क्लीन कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं बड़ी मेहनत से कार्य करते हैं, आप ये देखिए सब मिलकर सफाई कर रहे हैं और एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप ये देखिए मेरे कार में पूरा शैम्पू लग गया है, अब इसकी वॉशिंग होगी, मतलब अब इसमें पानी से धोएंगे। तो आप ये देखिए प्रेशर के द्वारा पानी से कार को धो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कार को कैसे ऊपर उठा दिए हैं। यदि हम घर में सफाई करते हैं
तो पाइप के माध्यम से सिर्फ ऊपरी हिस्से को साफ़ कर पाते हैं और नीचे का हिस्सा साफ़ नहीं कर पाते। तो आप ये देख पा रहे होंगे कार को कैसे पूरा ऊपर उठा दिए हैं और उठाने के बाद नीचे की पूरी सफाई करेंगे। गाड़ी बहुत चलते रहती है ना, तो बहुत से मिट्टी के कण नीचे रहते हैं। तो मैं तो अपनी कार की सफाई खुद करता हूँ, तो मैंने देखा तो मैंने भैया को कहा कि भैया दिखाइए मैं थोड़ा अपने कार की सफाई कर लूँ। तो आप ये देख पा रहे होंगे मैं अपनी कार की सफाई में भिड़ गया हूँ। दोस्तों मैं कोई भी कार्य करने में नहीं शर्माता और मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो कार्य करता हूँ। और ये मेरे कार की सफाई हो रही है। जब से मैं कार खरीदा था तो नीचे का जो हिस्सा है इंजन की ओर का, उसकी सफाई नहीं हुई थी। तो दोस्त के माध्यम से मुझे पता चला था कि यहाँ पर ऐसे कार को पूरा उठा देते हैं और सफाई करते हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, तो आप भी देखिए। तो दोस्तों यदि आप अपने कार का वॉशिंग कराना चाहते हैं तो आप यहाँ आइए। यहाँ का जो पता है मैंने वीडियो के नीचे आप ये देखिए लिख दिया है, पावर क्लीन कार वॉश संतोषी नगर से भाटा गांव सर्विस रोड की ओर है ये। तो दोस्तों मेरे कार की जो नीचे की इंजन की है पूरी धुलाई अच्छे से हो गई है। तो दोस्तों वॉशिंग अच्छे से होने के बाद आप ये देखिए कार को नीचे कर रहे हैं। अब नीचे आने के बाद कार की होगी पॉलिश। तो ये देखिए कार की पूरी पॉलिश हो रही है। पॉलिश होती है तो कार बहुत ही अच्छे से चमकती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम फिर नई जगह नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।